एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने पूछा है, इसका मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। इसमें जो सूचनाएं हैं, इसमें एक दो सूचना हो सकता है पढ़ते समय आपको दिक्कत लग रही हो कि कैसे क्या करनी है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है करने में। जैसे यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है हमें, जिसको हम ओ बोलते हैं, वो है हमारा 100 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 20%। कैरिंग कॉस्ट 20% होती है परचेज कॉस्ट, और परचेज कॉस्ट है यहाँ पर अपनी 520। तो ये हमारा हो जाएगा 20% ऑफ 520, यानी 104 ये हमारी हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट। इसके बाद मिनिमम यूजेज दे रखा है हमें 50 ट्यूब का, मैक्सिमम दे रखा है 200 का। नॉर्मल यूजेज है हमारा 100 ट्यूब पर वीक, नॉर्मल यूजेज 100 ट्यूब पर वीक है। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो जो हमारा एनुअल कंजप्शन है यू, वो हमारा हो जाएगा 100 × 52, यानी हमें साल भर में 5200 इकाइयों की आवश्यकता है। जो टाइम 6 है ये अपना हो जाएगा मिनिमम पीरियड, 8 अपना हो जाएगा मैक्सिमम पीरियड, और इसका जो एवरेज है वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल पीरियड, नॉर्मल या एवरेज पीरियड। आपको निकालना है ईओक्यू। 5% डिस्काउंट यदि उसको त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब वो फोर टाइम्स यदि ऑर्डर देता है तो डिस्काउंट हमको देगा 5% का। एक हमको तीनों लेवल निकालने हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लें यहाँ पे ईओक्यू। तो ईओक्यू का फॉर्मूला अपना होता है √2UO/C। तो यहाँ पर हमारा एनुअल कंजप्शन हो जाएगा 5200 यूनिट्स का। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे हमको 100 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट है 104 रुपीज़। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ईओक्यू। तो यहाँ पर ईओक्यू हमारा आ जाएगा 5200 × 2 × 100/104, इसका अंडर रूट, तो ये हमारा आ जाएगा 100 यूनिट्स। अब वो पूछ रहा है कि आप इसका जब ऑर्डर देंगे तो हमारा आ गया ईओक्यू, पहला पॉइंट सॉल्व हो गया हमारा। ईओक्यू वो लेवल है जहाँ पे कॉस्ट हमारी सबसे मिनिमम होती है। तो पहले हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट ईओक्यू पर, तो परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला अपना होता है साल भर में कितनी इकाइयाँ चाहिए इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला अपना होता है U/EOQ × ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाता है हमारा ईओक्यू का एवरेज निकाल लेंगे इनटू कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे साल भर में हमें चाहिए 5200 यूनिट्स, एक यूनिट की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 520 रुपीज़, प्लस 5200 / 100 × 100, प्लस 5200 × 100/2 × 104। तो परचेज कॉस्ट तो हमारी यहाँ पर आ जाएगी 2704,000, प्लस ये हमारा आ जाएगा 5200, और ये भी आ जाएगा हमारा 5200। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी यहाँ पर 27,14,400। अब ये तो हमारी प्रेजेंट कॉस्ट आ रही है। अब वो कह रहा है कि यदि आप साल में 4 बार ऑर्डर देते हो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा 5% का। 4 ऑर्डर मतलब हमें साल भर में चाहिए 5200 यूनिट्स। यदि हम 4 ऑर्डर देते हैं, 4 बार ऑर्डर देते हैं, तो एक बार में हमें ऑर्डर देना होगा 1300 यूनिट्स का। तो यदि हम 1300 यूनिट का ऑर्डर देते हैं एक बार में, तो वो हमारा डिस्काउंट देगा हमें 5% का। तो 1300 यूनिट का ऑर्डर मतलब जो हमारा न्यू ईओक्यू है, या ये न्यू ऑर्डर क्वांटिटी है, वो हमारी है 1300 यूनिट्स की। इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो अभी भी हमारा सेम वही रहेगा 100 रुपीज़ का, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है 5%। तो 520 में से हम माइनस कर देंगे 5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो नई कॉस्ट हमारी पड़ेगी वो पड़ेगी 494 रुपीज़ की।
जैसे हमारी कॉस्ट पर चेंज होगी वैसे हमारी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, तो कैरिंग कॉस्ट जो है हमारी वो हो जाएगी 20% ऑफ 494, क्योंकि वो फिक्स है हमारी परसेंटेज बेस, तो ये हमारा हो जाएगा 98.8। अब हम निकालेंगे न्यू कॉस्ट की, डिस्काउंट पे जो कॉस्ट पड़ रही है हमारी वो कॉस्ट पड़ जाएगी, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट हमें साल भर में निकालनी है 5200 इकाइयाँ, डिस्काउंट के बाद जो हमारी परचेज कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 494, प्लस जो नई ऑर्डर की क्वांटिटी है वो है हमारी 1300 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारी 100 रुपये, प्लस कैरिंग कॉस्ट में 1300 डिवाइडेड बाई 2। यानी इसको सॉल्व करने ध्यान रखना है कि जैसे अपन ऑर्डर नया 1300 दे रहे हैं तो ये अपना एक प्रकार से न्यू EOQ हो जाएगा हमारा। तो फार्मूला तो वही काम में लेंगे जो अपने यहाँ पे लिया था, यही फार्मूला आपको काम में लेना है, लेकिन नया EOQ अब 100 नहीं होगा यहाँ पे, नया ऑर्डर कितना देना है 1300 इकाइयों का, तो 1300 इकाइयों को EOQ मानते हुए यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे 98.8। तो ये कॉस्ट तो हमारी आ रही है 64,220, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी 400, और ये कॉस्ट आ जाएगी हमारी 5200 इंटू 494, यानी 25,68,800। टोटल कॉस्ट तीनों को जोड़ेंगे तो हमारी कॉस्ट आ रही है 26,33,420। तो अभी हमारी कॉस्ट पड़ रही थी 27,14,400 रुपीज़, यहाँ पे हमारी कॉस्ट पड़ रही है 26 लैक्स, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट हमारी कम आ रही है, तो इसका मतलब हम 5% डिस्काउंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। तो ये तरीका है हमारा सॉल्व करने का, इसको पूरा मैं समराइज कर देती हूँ एक ही जगह पर। ये क्वेश्चन है अपना, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे EOQ निकाला है, फिर हमने निकाला है EOQ के बेस पर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो कॉस्ट हमारी आ रही थी 27,14,400। उसके बाद हम देखेंगे डिस्काउंट का जो हमें ऑफ़र दिया था, जो हमें ऑफ़र आपको मिला था, तो ऑफ़र था हमारा 5% डिस्काउंट देंगे यदि आप 4 बार ही ऑर्डर देते हो। तो हमने निकाल लिया कि यानी एक बार हमको ऑर्डर देना पड़ेगा 1300 इकाइयों का, जब 1300 इकाइयों का हम ऑर्डर देंगे तो हमारी कॉस्ट पड़ जाएगी 26 लाख, क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है तो डिस्काउंट को हम स्वीकार कर लेंगे। इस तरह से इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अभी भी कोई डाउट आए